Hi, welcome to my travel and fun and entertainment channel or vlogs. Today I will be taking you for a whale watching excursion. आज हम आपको व्हेल वॉचिंग एक्सकर्जन पे लेकर जाएंगे. मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, मोस्टली हिंदी में, क्योंकि ये साउथ एशिया के व्यूअर्स के लिए बन रहा है और कनाडा और अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इसमें. तो प्लीज़ फील फ्री कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मालूम है. साथ में ही हमारे यहाँ एक्सकर्जन का क्रू है जो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगा और ये बहुत ही बढ़िया है. जो ये व्हेल देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये कहलाती है हम पैक, इसे कहते हैं हम पैक व्हेल. बहुत ही बड़े साइज में होती है, एलिफेंट से भी ज़्यादा भारी और वज़न ज़्यादा होता है. और कई और भी तरह की व्हेल्स होती हैं, पर आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ आपको हम बैक व्हेल्स और ऑर्का व्हेल, जो कि किलर व्हेल के नाम से भी जानी जाती है. Either someone had a sense of humor or that's an unfortunate last name. I haven't decided yet. ये देखिए, ये लोग मोस्टली ये लोग अमेरिका से हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप से ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं. और ये जो है ये अलास्का में है, जो व्हेल वॉचिंग हम देख रहे हैं ये अलास्का में. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इनको स्पॉट करना. ये सामने हमारे हम पैक हैं, आई थिंक तीन हम पैक व्हेल्स हैं. और ये देखिए टेल, ये बहुत ही अच्छा व्यू होता है. जब ये टेल दिखाती है तो इसका मतलब ये डीप डाइव के लिए जा रही है. तो ये डीप डाइव के लिए जाती है, 500 फीट अंदर तक पानी में डाइव कर जाती है. और अभी देखिए ये अभी सिर्फ ये देखिए टेल दिखाई दी, इसका मतलब डीप डाइव के लिए गई है. ये भी वाओ, बहुत ही बढ़िया. ये देखिए दूसरी बोट्स भी हैं जो व्यू करने की कोशिश कर रही हैं और भी क्लोज से. एक और टेल देखिए, ग्रेट. और ये तीनों ही व्हेल डीप डाइविंग के लिए गई हैं. अभी लोग बहुत ही खुश, पैसा वसूल. Wow, what a sound. इनकी उम्र लगभग ऑन एन एवरेज होती है 70 ईयर्स के आसपास. एन एलिफेंट तो सेम ही एज होती है. और ये एक दिन में कोई 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है. एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ये स्विम कर सकती हैं. 50 किलोमीटर काफ़ी फास्ट होता है. ये देखिए जो पानी, जो ये पानी का फव्वारा या फाउंटेन जो निकल रहा है, इसको कहते हैं स्पाउट. ये एक नोज की तरह होता है, तो उसके अंदर से ये पानी बाहर को जैसे फूंक मारी जाती है, तो वैसे ही ये देखिए कितने प्रेशर से निकल रही है.
और ये बताया गया था क्रू ने हमें ये बताया था कि ये जो स्पाउट निकल रहा है इसका पानी अगर आपके कपड़ों के ऊपर आ जाए तो स्मेल इजीली जाती नहीं है। महीने में हम बैक कोई 3,000 से 5,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती हैं। देखिए दूसरी बोट, लोग दूर दूर से आते हैं व्हेल वॉचिंग के लिए और आज सभी खुश होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यूइंग हुई है। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग व्यूइंग ऑफ व्हेल्स। I must say कि व्हेल्स have put on a great show. देखिए स्पाउट कितना ऊपर तक जा रहा है, तो कितना प्रेशर होगा इसमें और उसकी साउंड आप सुन ही सकते हैं। दिस इज ऑर्का, दिस इज किलर व्हेल्स। ब्लैक एंड वाइट स्पॉट पे ये कहलाती हैं किलर व्हेल। अलास्का में मूस होता है डियर फैमिली से, अगर वो पानी में तैरे और ये उनको उसकी भनक आ जाए तो ये उसको भी खा जाते हैं। जुवेनाइल व्हेल्स जो हैं उनको खा जाती हैं, इसलिए इनको किलर व्हेल भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कई डिफरेंट टाइप्स की व्हेल होती हैं, यहाँ पर पाई जाती है हम्पबैक और का व्हेल जो किलर व्हेल भी कहा जाता है, और भी कई फेमस व्हेल्स होती हैं जैसे ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो बिगेस्ट व्हेल है, फिर बलूगा व्हेल होती है, बॉटल नोज व्हेल होती है, फिन व्हेल होती है, ग्रे व्हेल होती है, तो कई तरह की व्हेल्स होती हैं। टेस्ट किया था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसा ये टेस्ट होता है, तो उसका मीट जो होता है वो टफ होता है, ये दूसरी फिशेस की तरह फ्लेकी नहीं होता है या स्मूथ या टेंडर नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है। देखिए कितना सुंदर है पानी, कितना साफ है, कोई पोल्यूशन का नामो निशान नहीं। दिल्ली में हूँ और कितना पोल्यूशन है, इसलिए हम आप बाहर नहीं जा सकते। 500 AQI है। वेदर इज फैंटास्टिक अलास्का। सी वाओ व्हाट अ शो। पानी में रहना पसंद करते हैं, ठंडे पानी में ही मिलेंगे तो अलास्का में ठंडा पानी होता है, बर्फीला होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पसंद करते हैं। ये लोग कितना मज़ा ले रहे हैं, हमने एक चीज़ देखी कि बाहर के लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को, वो ये नहीं करते कि भाई बैंक में पैसा रखना है और अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना है।
दे एंजॉय देयर लाइफ. यस दे आर ब्लेस्ड कि उनकी कंट्रीज भी डेवलप्ड हैं, उनकी टेक केयर करती हैं, तो चिंता की बात ही नहीं होती है बुढ़ापे में. ब्यूटीफुल. जो टैक्स पे करते हैं उसका पूरा फ़ायदा मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है. और ट्रैवल करना भी चाहिए. ये देखिए कितनी खूबसूरत है. मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऐसे एक्सकर्शन पे जाया जाए तो. ये सामने मेरा क्रूज शिप है, मैं क्रूज शिप में जॉब करता हूँ पिछले 23 साल से. 23 ईयर्स. तो बहुत ही बढ़िया जॉब है. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वर्ल्ड में घूमने की. एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको और भी कई अट्रैक्टिव जर्नीज में साथ लेकर जाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और घुमाने की. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इससे थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. Doing this vlog for fun. And using this opportunity to see the world I show you as well. Enjoy कीजिए. और मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि और वर्ल्ड का कौन सी कंट्री